और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों आज का वीडियो जो है 5TV स्टिक के बारे में होने वाला है। आप इसको जो है स्मार्ट टीवी पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है दोस्तों 5TV स्टिक का यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे इसमें बफरिंग इश्यू जो आता है, जो लेग होता है बार बार में, उसको कैसे आप सही कर सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आप कोई नई 5TV स्टिक को लेके आते हैं तो वो कितनी स्मूथ और बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, आज की ट्रिक अपनाने के बाद में आपकी 5TV इसी प्रकार से जो है वर्क करने वाली है। इसलिए कुछ स्टेप्स को जो है आपको फॉलो करना है, जो भी हम ट्रिक बताएं आपको सिंपली उनको फॉलो करना है, क्योंकि मैं जो है इसको पर्सनली यूज करता हूं तो मुझे तो जो है इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। आपके कौन सी ट्रिक काम करेगी वो भी आपको कमेंट में जरूर बताना है, इसलिए वीडियो में जो है पूरा बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है 5TV स्टिक को रीबूट करना है। रीबूट का मतलब फैक्ट्री रीसेट नहीं करना है दोस्तों। जैसे कि आप इसको पावर ऑन ऑफ बटन से बंद करते हो तो ये स्विच ऑफ नहीं होती है, बस ये आपकी LED जो है वो स्विच ऑफ होती है। इसको आप जैसे प्रेस करोगे तो ये सिर्फ LED स्विच ऑफ हुई है। तो अपने को 5TV स्टिक को स्विच ऑफ करना है तो पहले ट्रिक के अंदर आपको पावर सेलेक्ट वाले बटन को और प्ले और पॉज वाले बटन को एक साथ कुछ सेकंड के लिए दबा के रखना है। जैसे दोस्तों आप इसको दबा के रखेंगे तो आपकी 5TV स्टिक जो है ऑटोमेटिक कुछ सेकंड्स के बाद में पावर ऑफ हो जाएगी और 5TV स्टिक इज पावरिंग ऑफ, ऐसे कुछ लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। और अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों 5TV स्टिक का जो है लोगो आ चुका है और यह रीस्टार्ट या रीबूट हो चुकी है ऑटोमेटिक। जो भी इसके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन वगैरह चल रही थी वो ऑटोमेटिक जो है इसको रीबूट करने से बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले ट्रिक दोस्तों आपको यही करनी है, अगर आपकी 5TV स्टिक में बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है या बहुत ज्यादा लेगिंग इशू आ रहा है तो इससे जो है आपका 50% काम तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारी ट्रिक है, इसलिए वीडियो में जो है बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर दिया तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाला नहीं है। ट्रिक के अंदर दोस्तों आपको अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करना है, तो उसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप फुल HD में कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए मिनिमम 10 MBPS की स्पीड आपको चाहिए ही चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पास 4K वाली स्टिक है और 4K TV है और 4K में आप अगर कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 MBPS की स्पीड आनी चाहिए फाइबर के थ्रू। या दोस्तों सेकंड ट्रिक यही है कि आपको अपने नेट की स्पीड चेक करनी है। अब मोबाइल में तो अपन स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको 5TV स्टिक के अंदर किस प्रकार से नेट स्पीड चेक करना है उसके लिए सिंपली आपको दोस्तों सबसे पहले डाउनलोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके अंदर आपको डाउनलोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, उसको सिंपली जो है आपको ओपन कर लेना है। ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, उसमें आपको यह डाउनलोड करने का तरीका मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको इसके अंदर आ जाना है, URL इसमें टाइप करना है, मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूं। इसमें डालना है, ये गलती से इसको डिलीट करता हूं, एक सेकंड। fast.com दोस्तों fast.com आपको इसमें टाइप करना है और स्पेलिंग देख लीजिएगा सेम टू सेम होनी चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों इसको सिंपली आपको जो है गो पे क्लिक करना है, तो इससे जो है आप अपने नेट की स्पीड को चेक कर पाएंगे कि कितनी नेट की स्पीड आपकी इसमें आ रही है। तो इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसमें देख पा रहे हैं अपने जो इंटरनेट की स्पीड है वो रनिंग हो रही है। जैसे मेरे अभी 50 MBPS का प्लान मैंने ले रखा है BSNL वाला, तो मेरे जो है इसमें 50 MBPS शो कर रही है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं मोबाइल में लगा के बहुत बार चेक कर चुका हूँ उसके अंदर, तो वहाँ मेरे को 4 MB 2 MB 3 MB की स्पीड दिखाती है। क्योंकि कई बार जैसे कि मान लो आगे से फाइबर बंद हो जाता है तो मैं मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके इसमें रनिंग करता हूँ, तो उसमें स्पीड जो है मेरे को नाम मात्र की मिलती है। उसमें जो है मैं फुल HD तो छोड़ो, मेरे को मतलब बोलेगा लेकिन इशू होते हैं। तो इसलिए जो है आपको यहाँ से fast.com से जो है आपको ये चेक करना है। इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन और है दोस्तों, मैं भी जो है कुछ समय में उस चीज़ को मंगाने वाला हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी उसको मंगवाने के लिए ऑर्डर डाल दूंगा। इसके अंदर दोस्तों एक कनेक्टर आता है, इथरनेट कनेक्टर। तो अमेजन इथरनेट कनेक्टर अगर आप अपनी स्टिक के अंदर अटैच करके डायरेक्ट लैन पोर्ट उसमें जोड़ देते हो, लैन केबल उसमें जोड़ देते हो, तो आपको जो है फुल स्पीड मिलेगी। 50 MBPS से लेकर 100 MBPS के बीच में आपको स्पीड उसमें मिल सकती है। तो अभी मेरा 50 MBPS वाला है तो मेरे को उसमें 40 MBPS आराम से जो है उसमें स्पीड मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ समय बाद जो है इसको वीडियो में लेके आने वाला हूँ, उसके लिए आप जो है वेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो है थर्ड स्टेप ये अपनाना है कि जो आपका वाईफाई राउटर है, इसको मैं एक बार बैक कर देता हूँ, जो वाईफाई राउटर है उसको ओपन स्पेस में रखना है। ऐसे मतलब कंजेस्टेड एरिया में या फिर ऐसे बंद एरिया में नहीं रखना जहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। जैसे कि मैंने देखिए TV के पास में ही रख रखा है, तो TV के पास में यहाँ वॉल पे हैंग कर रखा है, तो इस वजह से जो है मेरे को यहाँ पे कनेक्टिविटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और मेरी नेट की स्पीड भी जो है 50 MBPS 51 MBPS आती रहती है। अब दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों जो एप्लीकेशंस वगैरह है, जैसे मान लो मेरे जियो सिनेमा काम आता है, यूट्यूब काम आता है, हॉटस्टार काम आता है, लेकिन मैंने जो है इसका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, तो मैं नेटफ्लिक्स को जो है अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो अनवांटेड एप्लीकेशन जो है जो आप यूज़ नहीं करते उनको आपको अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए। ये 5वीं ट्रिक भी दोस्तों इससे रिलेटेड ही है। स्टिक ऐप स्टोर पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपको वही इंस्टॉल करने हैं। अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और जैसे मान लो G5 है या फिर आपके हॉटस्टार है, इनका सब्सक्रिप्शन नहीं लेके आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो उससे जो है बहुत ज़्यादा लैगिंग वगैरह इशू फेस होता है। तो उन चीज़ों से जो है आपको बचना है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर आपको 4K क्वालिटी में या फुल HD के अंदर कंटेंट कंज्यूम करना है तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेके ही यूज करना चाहिए, उसमें बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, 5वीं ट्रिक, जिसमें एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसके जो कैचेज हैं उनको क्लियर करना जरूरी होता है समय समय पर, तभी तो जो है दोस्तों आपकी 5TV स्टिक धीरे धीरे जो है स्लो होती जाती है। आपको जो है ये ट्रिक भी आजमानी है, आपको किस प्रकार से करना है वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता देता हूं। पहले दोस्तों आपको सेटिंग ऑप्शन में जाना है, तो सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का एक ऑप्शन,
तो एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा ये वाला, और इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, थर्ड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपका इंटरनल स्पेस वगैरह की भी जानकारी दी गई है, उस हिसाब से जो है आप लिमिटेड एप्लीकेशन ही यूज करें, क्योंकि ज्यादा यूज अगर हो जाएंगी और फुल अगर हो जाएगा तो लेग होगा ही होगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं है। तो सिंपली दोस्तों आपको इसमें जाना है, डबल टैप करना है, उसके बाद में दोस्तों आपको उसके बाद दोस्तों जैसे आप आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि अलेक्सा शॉपिंग है, सारी एप्लीकेशन वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे ये बीबी रेसिंग है, इसको मैं यूज नहीं करता, तो आपको सिंपली इसको क्लिक करना है, और अगर मान लो मैंने इसको कभी यूज किया भी होगा तो इसके अंदर जो है डाटा वगैरह अभी भी इसके अंदर आ रहा होगा। तो सिंपली आपको दोस्तों इसके ऊपर आ जाना है, आने के बाद में दोस्तों आपको क्लियर कैचेस कर देना है। क्लियर कैचेस देख पा रहे हैं 108 MB का कैच जो है, हालांकि इसमें 0 MB का क्योंकि यूज नहीं होती है, लेकिन आपको फिर भी क्लियर कैच कर देना है, और क्लियर डाटा कर दोगे तो ये आपका डाटा भी इसको हटा देगा। इसको मैं अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज भी नहीं करता हूँ। तो जो जिसको भी अगर अनइंस्टॉल नहीं करना था, तो इस प्रकार से जो है आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे आपने सारी ट्रिक आजमाने के बाद में कौन सी ट्रिक आपके जो काम की है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे, तो उससे जो है और भी लोगों की हेल्प मैं इससे कर सकूँ। आप दोस्तों आप सबसे बेस्ट तरीका है FITV स्टिक का, आप जब भी अगर लेग वगैरह फील करते हो, आप जब भी करो तो इसका जो है सॉफ्टवेयर आप चेक करते रहा करो। जैसे दोस्तों आप इसके अंदर जाओगे तो माई FITV स्टिक के अंदर आपको जाना है, जाने के बाद दोस्तों डेवलपर ऑप्शन आपका एनेबल हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो उसका वीडियो भी जो है हमने बना रखा, आप जाके जो है चेक कर सकते हैं। अबाउट में आपको जो है 7-8 बार टैप करना, तो उसके बाद में जो है ये वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपको अबाउट के अंदर जाना है, अबाउट के अंदर जाने के बाद में चेक फॉर अपडेट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने 25 जून 2023 को जो है लास्ट अपडेट किया था, मैं टाइम टाइम पे जो है इसको अपडेट करता रहता हूँ। तो आपको भी जो है दोस्तों यहाँ से जो है अपडेट को चेक करते रहना है, जैसे ही अपडेट आ जाता है उसको इंस्टॉल कर लेना है, उससे जो है कि आपकी FITV स्टिक में जो है बग वगैरह नहीं आएंगे, और जो बग होंगे वो जो है सही हो जाते हैं। तो ये भी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो ये 5-6 आपको ट्रिक बताइए आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।